हेलो दोस्तों, मैं हूँ रक्षा गुप्ता, आपके जीएस के एजुकेटर। वेलकम टू श्योर पाठशाला। आज डेली डोज की सीरीज में लेक्चर 13 है और हम देखते हैं कि कल हमारे देश और विदेश में ऐसा क्या हुआ है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉरस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है युवा एनजीओ को। किसे दिया गया है? युवा। यहाँ युवा का मतलब यंग नहीं है, ये युवा उस एनजीओ का नाम है, YUVA उसका नाम है, यानी कि युवा एनजीओ को। ये एक झारखंड बेस्ड एनजीओ है जो कि वेलफेयर के लिए काम करता है और इसी काम के लिए हमें मतलब इस एनजीओ को क्या दिया गया है? लॉरस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड। क्लियर है? क्या दिया है? लॉरस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, ये एनजीओ कहाँ से बिलोंग करता है? झारखंड राज्य से। तो झारखंड राज्य कुछ खास अहमियत रखता है क्या भारत में? डेफिनेटली, वैसे तो हमारे 29 राज्य ही सभी खास अहमियत रखते हैं, लेकिन झारखंड मिनरल्स का घर है। क्या है? झारखंड मिनरल्स का घर है। और आपको पता होगा कि खनिज सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं खनिज सबसे ज़्यादा? झारखंड में। कोयला हुआ और भी अन्य, कोयला हो गया या अन्य खनिज आप देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। फिर झारखंड में आपको पता होगा प्रॉब्लम एक बहुत है कि वहाँ नक्सलवादी ज़्यादा रहते हैं, मतलब नक्सलवादियों का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ पर झारखंड में, तो इससे उसके डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। और क्या है झारखंड के बारे में जानने के लिए? तो झारखंड बना कब था? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 में बना था। किससे अलग होके? बिहार से अलग होके। और 15 नवंबर को ही प्रतिवर्ष झारखंड दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही प्रतिवर्ष झारखंड दिवस मनाया जाता है। झारखंड दिवस 15 नवंबर को क्यों मनाते हैं? एक तो ये इस दिन अलग हुआ था इसलिए, और दूसरा बिरसा मुंडा, आपने जरूर ही इस जनजाति के बारे में सुना होगा। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति का एक सदस्य था जो बहुत फेमस थे और इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को। इन्हीं के जन्म दिवस को मनाने के लिए झारखंड के लोग 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? झारखंड दिवस। तो आगे बढ़ते हैं, हमने इतना काफ़ी कुछ जाना, आप याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है, ICC ने हाल ही में किस पर प्रतिबंध लगाया है? ICC यानी कि फुल फॉर्म तो पता होगी, मैं नहीं बताने वाली क्योंकि आपको पता होगी डेफिनेटली, क्रिकेट के फॉलोअर्स होंगे आप, क्रिकेट को बहुत मानते होंगे, तो ICC की फुल फॉर्म तो पता होना बनती है। तो ICC ने हाल ही में किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, अभी 2017 में कुछ न्यूज ऐसी थी कि UAE के एक व्यक्ति थे अरफान अंसारी और पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ये भ्रष्ट गतिविधियों में संलग्न पाए गए थे। कौन? ये दोनों। तो इसी वजह से अभी हाल ही में ICC ने क्या किया है? इरफान अंसारी को बैन कर दिया है। क्या किया है? इरफान अंसारी को बैन कर दिया फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों के लिए ICC ने क्या किया है? इरफान अंसारी को बैन कर दिया है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ये UAE वेस्ट एंड की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहाँ के हैं ये इरफान अंसारी। तो आप याद रखेंगे किसे बैन किया है? सरफराज अहमद को नहीं किया है, हालांकि ये भी संलग्न थे, लेकिन अभी किसको किया है? इरफान अंसारी को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हाल ही में ईरान कप हुआ था, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था ना क्रिकेट से संबंधित, तो ईरान कप किसने जीता था? याद कीजिए, थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर। यस, आपको याद आ गया होगा, विदर्भ ने जीता था क्या ईरान कप। और मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें भी बताई थी, पर्वत से रिलेटेड, विदर्भ क्या है इससे रिलेटेड, तो अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा रिवाइज कीजिए क्योंकि रिविजन इज अ की ऑफ सक्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने शहरों में लागू किया गया है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने शहरों में लागू किया है? अभी 8 शहरों में लागू किया है। तो पहले जानना क्या जरूरी है कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है क्या? तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिटीज़ की यानी शहरों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। तो इससे शहरों में मतलब ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि डिजिटलीकरण हो जाए सब जगह का, महिलाएं रात में दिन में कभी भी घूमने में डर का अनुभव ना करें, मतलब सेफ फील करें। तो इसके लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया गया है और ये कितने शहरों में अभी तक लागू हुआ है? 8 शहरों में। इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी कि बहुत अच्छे से चल रहा है, इसीलिए इसको हमें जानना अभी ज़रूरी था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजन जीरो क्या है, विजन जीरो क्या है या एक का कार्य क्या है, इसका काम क्या है, विजन जीरो है क्या, पहले ये समझते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की है जिसमें क्या होता है, इसका काम क्या है, सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, किस चीज को, सेफ्टी एंड हेल्थ, इसको सुनिश्चित करना किसका काम है, इसका विजन जीरो का काम है। और इसी के लिए, और किसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य, पूरे देश की नहीं, इसका काम है वर्कफोर्स, जो हमारी वर्कफोर्स होती है मतलब ऑफिसेज में ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका सेफ्टी और हेल्थ को एंश्योर करना। तो ये काम है विजन जीरो का। और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में, अभी एक दिन पहले ही, इंटरनेशनल विजन कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है आयोजित, यहाँ से मैंने आपको दो क्वेश्चन कवर कराए, विजन जीरो एक तो इसका काम क्या है, इसका काम है सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, और ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल विजन कॉन्फ्रेंस, तो ये मुंबई में हुई है, तो आप याद रखेंगे आई थिंक। नेक्स्ट है स्पेयर एक्स क्या है, तो ये एक टेलीस्कोप है, क्या है, ये एक टेलीस्कोप है, तो आप याद रखेंगे स्पेयर एक्स क्या है, ये एक टेलीस्कोप है, तो जिससे क्या होगा, मतलब टेलीस्कोप का यूज़ तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, हम दूर, मतलब दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो आई थिंक आपको टेलीस्कोप का मतलब पता होगा, लेकिन स्पेयर एक्स प्रोजेक्ट किसका है, तो ये प्रोजेक्ट है नासा का, नासा, यस, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, जो जिसने कल क्या, मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी रोवर और स्प्लिट रोवर, वो किसके थे, वो भी नासा के थे, और ये स्पेयर एक्स है, ये भी किसका है, ये भी नासा का है, तो आप याद रखेंगे स्पेयर एक्स क्या है, ये एक टेलीस्कोप है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह, आपने सुना होगा, अगर आप हिंदी आपने पढ़ी है तो डेफिनेटली नामवर सिंह के बारे में पढ़ा होगा, तो नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है कविता के नए प्रतिमान के लिए, किसके लिए दिया गया है, कविता के नए प्रतिमान के लिए, तो याद कर, अब आप ये पूछो कि आज ये क्वेश्चन क्यों है ऐसा, तो आपको बता दिया जाए कि नामवर सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये एक बहुत अच्छे लेखक थे हिंदी साहित्य, और इन्हें कविता के लिए क्या मिला है, पुरस्कार, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो आप ये याद रखेंगे इनका निधन हुआ है। और इनकी और कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि निधन हो गया तो फेमस हो गए, डेफिनेटली फेमस तो पहले भी थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा फेमस हैं, एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे, तो छायावाद भी इन्हीं की रचना है, कविता के नए प्रतिमान भी इन्हीं की रचना है, और दूसरी परंपरा की खोज भी इन्हीं की रचना है, तो यहाँ से आपकी 3-4 बातें कवर हो जाएंगी कि नामवर सिंह थे कौन, हिंदी साहित्य के लेखक थे, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, और इन्हें किसके लिए पुरस्कार मिला है, तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, किस त्योहार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, दोबारा सुनेंगे, किस त्योहार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो क्या ये संगाई महोत्सव है, नहीं, हॉर्नबिल है, नहीं, ट्राउट से है, नहीं, ये है अत्तुकल पोंगला, क्या है इसका नाम, अत्तुकल पोंगला, ये देखो पहली बात तो ये अभी नहीं किया गया है, पहले ही हो गया है, लेकिन आपको इस तरीके से बताना ज़्यादा जरूरी था जिससे कि आप इसके बारे में डीप में जान पाए। अत्तुकल पोंगला तिरुवनंतपुरम में अभी आयोजित हो रहा है, और इसे माना जाता है, इसे इसका निकनेम दिया जाता है सबरीमाला ऑफ दी वुमेन्स, दोबारा सुनेंगे क्या बोलते हैं इसे, सबरीमाला ऑफ दी वुमेन्स, देखिए बात समझिए, ये जो त्यौहार है इसमें क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा महिलाएं एक स्थान पर इसी त्यौहार में इकट्ठी होती हैं अत्तुकल पोंगला में, इसीलिए इसे सबरीमाला ऑफ वुमेन बोला जाता है, और इसकी इसी खासियत के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है। तो आप याद क्या रखेंगे, अत्तुकल पोंगला कहाँ का फेस्टिवल है, तो केरला का है, क्या होता है इसमें, महिलाएं इकट्ठी होती हैं बहुत बड़ी संख्या में, जिसके कारण क्या हुआ है, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो इसके बारे में भी जानते हैं, संगाई और हॉर्नबिल, संगाई महोत्सव कहाँ का है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मणिपुर का एक महोत्सव है संगाई महोत्सव, और हॉर्नबिल कहाँ का है,
ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। तो आप याद रखेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम क्षेत्रीय समुद्री रक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? प्रथम क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये अभी हाल ही में मुंबई में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में संपन्न हुआ है। ये वाला जो सम्मेलन हुआ है, इसका फोकस था कि इंडियन एंड आशियान रीजन में, आशियान आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। तो आपको याद रखना है कि इसका काम क्या है, इस सम्मेलन का। पहली बात, ये प्रथम हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया मुंबई में हुआ है। इसमें क्या इंश्योर करेंगे? आशियान रीजन और इंडियन रीजन की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। तो आप याद रखेंगे, आपको पता होगा आशियान एक संस्था है दक्षिण पूर्वी देशों की, जिसमें आज की डेट में 10 सदस्य हैं, जिसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और 10 सदस्य हैं और ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं बहुत फ्री ट्रेड के माध्यम से। तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट ने भारतीय संस्था को पुरस्कार के लिए चुना है। कौन सी है? तो ये है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कौन सी है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसे चुना है किसके लिए? इसी को चुना गया है पुरस्कार के लिए। क्यों? पहली बात, ये है क्या? तो ये एक ऐसी संस्था है जो, देखो आपने ये न्यूज़ पढ़ते हैं ना आप, आर्टिकल वगैरह, तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने बेस पर रिसर्च कराती हैं। तो ऐसे ही ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भी एक ऐसी ही संस्था है जो क्या कराती है, जो अपने आप रिसर्च कराती है। ORF हो गया या अन्य भी बहुत सी हैं, जैसे आपने सुना होगा डाउन टू अर्थ के बारे में। ये संस्थाएं ऐसी होती हैं कि खुद के आधार पर रिसर्च कराती हैं और पब्लिक के सामने प्रेजेंट करती हैं। तो सबसे अच्छा रिसर्च माना गया है भारत में इस संस्था का, और इसीलिए इसे इस वाली संस्था को भारत में पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनली पब्लिकली पब्लिश की जाती है, जिसमें US के एक NGO ने खिताब जीता है सबसे बेस्ट का। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन सा है? US का NGO। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो कौन सा है भाई? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो आप इसे याद रखेंगे, और अगर आप चाहें तो नेट पे ORF डालकर ORF की साइट जा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इनका कितना गजब का रिसर्च होता है, कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप इन्वायरमेंट या इकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, या डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सामने आ रही हैं आज हमारे जीवन के, उन पर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इनके आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्री विमान का संचालन कितने स्थानों पर करने का फैसला लिया गया है? समुद्री विमान का संचालन कितने स्थानों पर करने का फैसला लिया गया है? तो स्थान है 7। कितने स्थानों पर? 7, जिनमें से 4 स्थान अंडमान और निकोबार के होंगे और 3 स्थान लक्षद्वीप के होंगे। दोबारा सुनेंगे, 4 स्थान कहाँ के होंगे? अंडमान के, और 3 कहाँ के होंगे? लक्षद्वीप के। तो आप याद रखेंगे, समुद्री विमान का संचालन कितने पर डिसाइड किया है अभी? 7 पे, जिसमें से 4 अंडमान के और 3 लक्षद्वीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में आज की डेट में केवल 2 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से एक सक्रिय है, एक निष्क्रिय है। तो जो सक्रिय आइलैंड है, ज्वालामुखी है, वो है बैरन आइलैंड, बैरन BARREN बैरन आइलैंड। इसे सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणियों में रखा जाता है। और जो नारकोंडम है, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम आइलैंड, इसे रखा जाता है असक्रिय की में। तो आप निष्क्रिय में, या फिर आप याद रखेंगे आज की डेट में भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, तो 2 हैं, इस एक निष्क्रिय जो कि नारकोंडम है, और एक है सक्रिय जो कि बैरन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत किस मंत्री ने की है? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत किस मंत्री ने की है? तो ये की है मानव संसाधन मंत्री। किसने? ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर, या HRD मिनिस्टर बोल सकते हैं आप, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो आप याद रखेंगे किसने की है? HRD मिनिस्टर ने की है। तो ये डिजिटल बोर्ड है क्या? आपको पता है हमारे स्कूल्स में आजकल इंडिया में कैसे बोर्ड होते हैं? प्राइवेट स्कूल में तो कहीं हद तक ठीक भी होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अजीब से बोर्ड होते हैं, जिन पर प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो अब हमारी गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगवा दिए जाएँ, और 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाना है। तो आप दोनों बात रखेंगे, डेट, इसकी लास्ट डेट कब है? 2022,
और इसे किसने इनॉग्रेट किया है, इसे इनॉग्रेट किया है किसने, मानव संसाधन मंत्री ने। और ये 9th से 12th और हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने सार्क विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम शुरू किया है, किस संस्थान ने सार्क विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये है IIT खड़गपुर। कौन सा है, IIT खड़गपुर। और IIT की महत्ता के बारे में तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स तैयार करने के लिए, अच्छे अच्छी मतलब भारत को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। तो IIT की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय तकनीकी संस्थान। तो किसने, सार्क तो पता ही होगा आई थिंक आपको, सार्क होता है, इसे हिंदी में दक्षेस बोला जाता है, और ये कुछ देशों का समूह है, साउथ एशिया के देशों का, यानी कि दक्षिण एशिया के देशों का समूह है, जो मिलकर आर्थिक समझौते की बात करते हैं, आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, और सहयोग करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।